देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यात्रा की परमिशन नहीं है, और ये हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं यात्रा की परमिशन नहीं है, वो आज भी परमिशन नहीं है। रही जलाभिषेक की बात, तो मैं आपका संज्ञान में ले आऊं कि हर सोमवार को जलाभिषेक भाई आईडी नीचे हेलो नीचे भैया नीचे है, चाहे वो झीर मंदिर है, चाहे सिंगार मंदिर है, प्रत्येक सोमवार को जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जलाभिषेक कर रहे हैं। पिछले सोमवार को भी किया था, उससे पहले सोमवार को भी किया था। भंडारा जलाभिषेक तीनों मंदिरों में हर सोमवार को चल रहा है, और उसी प्रकार आज भी 4:30 बजे सुबह से जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। स्थानीय लोगों की भावनाओं और धार्मिक आस्था के अनुसार वो चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए मैम, सुरक्षा व्यवस्था आपने स्वयं देखा होगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे जिले के तमाम पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी बाहर से आई हुई हैं, उनका हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जो 31 सात को हमने देखा था, कोई भी उस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, उनको नोटिस दिया गया है, क्या मामला है? जी ऐसा है, ये जांच का मामला, जांच से संबंधित आपका सवाल है। जैसा आप सब जानते हैं, मैं ADGP लॉ एंड ऑर्डर हूँ, तो कानून व्यवस्था से संबंधित अगर आपके प्रश्न, आप मुझसे वो पूछिए। आप जांच से संबंधित प्रश्न जो है, आप जो लोकल जो SIT चीफ या जिले के प्रमुख हैं, SP साहब, आप उनसे ये सवाल पूछिए। मैम जलाभिषेक की बात करें तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं और कितने लोग? जलाभिषेक में स्थानीय लोग आ रहे हैं और सुबह से ही आ रहे हैं, और हर सोमवार को, जैसे पिछले सोमवार का मैंने आंकड़ा लिया, तो पिछले सोमवार को 450 लोग जलाभिषेक करके गए थे। तो ये स्थानीय लोग आ रहे हैं, और वो तो सुबह से आ रहे हैं, चल रहे हैं। मॉर्निंग में जब मैं चेक करने के लिए गई थी, तब भी 200-250 लोग जलाभिषेक करके जा चुके थे। बाहर से आ रहे, तो संख्या तो मैं नहीं बता सकती, तो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है जलाभिषेक सुबह से। बाहर के आ रहे से सर, बीजेपी के कितने लोगों को सुबह यात्रा छूट दी गई? जी देखिए, मेरी जो नॉलेज में जलाभिषेक के लिए जो आलोक जी प्रमुख है VHP के, उनकी इच्छा थी जलाभिषेक करने की, तो उनके साथ में 2-3 साधु संत जो है वो आए हैं, और उनको पुलिस द्वारा ले जाया गया, जलाभिषेक करके उनको वापस अपने गंतव्य स्थान पर उनको भेजा जाएगा। पटौदी से स्वामी धर्मदेव भी आए हैं क्या? मेरी नानकरमनी, अगर आप बोल रहे तो हो सकता आए हो। मैंने आपको जैसा कहा, जलाभिषेक की परमिशन है, जलाभिषेक जो है वो यात्रा नहीं है, यात्रा की परमिशन नहीं है। अगर पटौदी से कोई धर्मगुरु आए हैं, अगर उनकी इच्छा जलाभिषेक की है, तो जलाभिषेक करके वो भी अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। मेवाड़ के तीनों मंदिरों में यात्रा, वो एक मंदिर में करेंगे या तीनों मंदिर में करेंगे, इस बारे मेरे पास कोई सूचना नहीं है, स्थानीय प्रशासन के पास होगी। परंतु जैसा मैं दोबारा कह रही हूँ कि जल चढ़ाने की अगर किसी की इच्छा है, तो जल चढ़ाने से हमने किसी को रोका नहीं है। प्रयास ये है कि बाहर के कम आए, ताकि यहाँ पे हमारी स्थानीय जो व्यवस्था है उसको बनाने में हमें ज्यादा परेशानी ना हो। अगली यात्रा भव्य हो।